तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक है ना। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीडी फ्री डिश पर दंगल चैनल कैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, काफ़ी बार हमारा डीडी फ्री डिश के अंदर कोई चैनल लॉस हो जाता है, यानी वो डिलीट हो जाता है, वो अपना आप आता नहीं है। तो दोस्तों अगर हम इस चैनल को ऐड करना चाहते हैं कि हम जो चैनल चाहते हैं उसको कैसे ऐड करें, दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दंगल चैनल कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलती रहे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका डीडी फ्री डिश पर दंगल चैनल लाना है, तो आपको सबसे पहले मेनू बटन दबाना होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रोग्राम सेटअप के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे एड न्यू प्रोग्राम कर लेना। दोस्तों आपको यहाँ पे ऑटो स्कैन दिखाई दे रहा होगा नीचे, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको एक चैनल जोड़ना तो आपको एड न्यू प्रोग्राम के अंदर एंटर हो जाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे LNB फ्रीक्वेंसी 0.50 रहती है। ये दोस्तों डीडी फ्री डिश की मेन फ्रीक्वेंसी होती है LNB फ्रीक्वेंसी, इसको आप कभी भी चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा करोगे तो आपके दिक्कत नो सिग्नल की हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको ट्रांस फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे 0.2729 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 0.3729 कर लेना, ठीक है। दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों आपको सिंबल रेट आपको 29500 दिख रहा है ये दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 29510 कर लेना, ठीक है दोस्तों, 29 या 29510, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पॉजिटिव वी रखना है, इसको ऑफ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। 22 किट को ऑफ रखना है, और डिस्क को जो आप दिख देगा यहाँ पे LNB 1, 2, 3 कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल सा ओके प्रेस कर देना, जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपके सामने काफ़ी सारे चैनल ऐड हो जाएंगे जो कि इस फ्रिक्वेंसी पर आते होंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये दंगल चैनल भी ऐड हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।